हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माना। वेलकम टू मूवी शूवी। कश्मीर फाइल्स को लेके मैं काफ़ी सारे वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जहां पर मैंने आपके साथ कवर किया कि किस तरीके से इसके स्क्रीन्स बढ़ा दिए गए। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पूरी टीम के साथ मिले। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से काफ़ी सारे और मूवीज़ के जो शोज़ हैं उनको कैंसिल कर दिया गया बिकॉज देयर कॉन्टेंट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट और नॉट गुड, पीपल वर नॉट अप्रिशिएटिंग इट, एंड दो शोज़ हैव बीन री एलोकेटेड टू द कश्मीर फाइल्स। 2000 स्क्रीन से प्लस में ये चल रही है और काफ़ी बढ़िया इसका बिजनेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आई दोस्तों, वो आई 32 करोड़ जो ग्रॉस लेवल पे आई। और आज की जो खबर आ रही है वो लगभग लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए की और बिजनेस हो जाएगा, तो करीबन 47-48 करोड़ का हो जाएगा। और ये अभी हम सिर्फ 4 दिन की ही बात कर रहे हैं, तो 4 दिन का बिजनेस जो है 47-48 करोड़ का हो जाएगा। कुछ कह नहीं सकते, जितनी एडवांस बुकिंग चल रही है और जो मेरे को लोग कमेंट्स कर करके बता रहे हैं कि सर यहाँ पर भी हाउसफुल है, वहाँ पर भी हाउसफुल है, आई विल बी सरप्राइज ये 50 करोड़ रुपीज़ भी हो जाए, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, पीपल आर सीइंग इट। कुछ थोड़ी सी इश्यूज भी चल रहे हैं कि लोग इतने सारे लोग देखना चाहते हैं फिर भी लोगों को शोज़ कम पड़ रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से लोग इसको देख रहे हैं, और आई थिंक जो मैंने सुबह सर्वे किया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि कुछ लोग शायद इसको इसलिए नहीं देख पा रहे हैं कि दे कांट अफोर्ड इट। सो गवर्नमेंट सुन रही है, और पहले 3 स्टेट्स थी, अब 4 स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया ताकि और लोग देख पाए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड कर्नाटका। तो भैया अभी ये और स्टेट्स भी, जैसे जैसे मैं पहले 3 थी अब 4 होगी, आगे आगे और स्टेट्स भी जुड़ती चली जाएंगी, वो भी इसको टैक्स फ्री हमेशा करेंगी ताकि और लोग तक इसको पहुंचाया जा सके, अफोर्डेबल बनाया जा सके, बिकॉज दिस कंटेंट शुड बी सीन, इंटरनलाइज्ड एंड फ्यू पीपल शुड एक्ट ऑन इट। और जो कश्मीरी पंडित थे उनको कुछ क्लोजर लग रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई फेलो इंडियन है और उसको ऐसा लग रहा है कि उनको जस्टिस नहीं मिला और उनको जस्टिस ऐसा रूप में कुछ दिख रहा है, उनको लग रहा है कि कुछ क्लोजर है, तो हम और क्या बोलें, मतलब हम सिर्फ इमोशनल होके हम यही बोल सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो बाकी तो पर्दे के ऊपर सब लोग अपना रंग जमा ही रहे हैं और खूब टिकटें खरीद रहे हैं और बहुत ही प्यार दे रहे हैं इसको। सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनने से इसको कोई नहीं रोक सकता। आज अगर 47-48 करोड़ का बिजनेस हो जाए तो आप समझ लीजिए कि 22-23 करोड़ रुपए की यह मूवी बनी थी, तो ऑलरेडी डबल तो हो ही चुका है। तो फ्रॉम अ मनी परस्पेक्टिव इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर। हालांकि मनी से इसका कोई लेना देना है नहीं, इट्स जिसे बोलते हैं ना हिंदी का वर्ड जो बार बार कॉमेंट्स में भी मेरे को आता रहता है, ये अब जस्ट बात है। इट इज़ नॉट समथिंग विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ सिनेमा, इट इज़ बियॉन्ड दैट नाउ। तो मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, जैसे मुझे कुछ और पता चलता है कश्मीर फाइल्स से रिलेटेड तो मैं आपको फटाफट अपडेट करूँगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।